गरीबों का कर्ज माफ, हम किसानों का कर्ज माफ करते हैं, वृद्धजनों को पेंशन देते हैं, विधवा महिलाओं को पेंशन देते हैं, दिव्यांगजनों को पेंशन देते हैं। हमारी संवेदना गरीब के प्रति है, किसान के प्रति है, नौजवान के प्रति है, महिलाओं के प्रति है, लेकिन सपा की सहानुभूति किसके प्रति है, उनकी संवेदना किसके प्रति है? उनकी संवेदना पेशेवर अपराधी माफिया और आतंकवादियों के प्रति है। आपने देखा होगा परसों अहमदाबाद न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। इन आतंकवादियों ने गुजरात में सीरियल बम ब्लास्ट किया था, 56 निर्दोष लोग मारे गए थे। और भाइयों बहनों, इसमें से जो आतंकवादी फांसी की सजा पाए हैं, इनमें से 8 आतंकवादी उत्तर प्रदेश के भी हैं। इनमें से एक आतंकवादी का पितामह बकायदा समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं 2008 की इस घटना पर अब तक अखिलेश यादव ने अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? इन आतंकवादियों के प्रति की सहानुभूति और संवेदना क्यों है? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा नहीं है? जो लोग आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं, क्या आप लोग, क्या जनता जनार्दन, क्या उनको वोट देगी? जो लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या जनता जनार्दन का आशीर्वाद उनको प्राप्त होना चाहिए? और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं। आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा, भारी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए निकल रहे हैं, और लेकिन सभी 16 जनपदों के 59 विधानसभा सीट के सभी मतदाताओं से ले ली गए उत्तर प्रदेश को देश का कर्णी राज्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा भयमुक्त, अराजकता मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सबके हितों के लिए जो कार्य किया है, यह अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अधिक से अधिक मात्रा में वोटिंग करने के लिए वे जरूर जाएं। यहां से मैं अपील करूंगा उन सभी 16 जनपद के 59 विधानसभा सीट के मतदाताओं से, और मैं आज लखीमपुर जनपद की सभी विधानसभा सीट, यहां पर वो हमारे प्रत्याशी हैं, निगामगंज के लोकप्रिय विधायक और प्रत्याशी श्री शशांक वर्मा, और साथ साथ हमारे धौरहरा से प्रत्याशी हैं श्री विनोद शंकर अवस्थी, इन दोनों के लिए आप सभी से अपील करूंगा कि ने भारी बहुमत से विजयी बनाकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजिए, प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। आप लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? लेकिन 2017 के बाद आपने देखा होगा, जिस उत्तर प्रदेश में पहले केवल एक सिपाही महोत्सव होता था, महोत्सव के आयोजकों को स्वयं नहीं पता होता था किस महोत्सव का मतलब क्या है, उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में महोत्सव का मतलब अयोध्या के दीपोत्सव से होता है, महोत्सव का मतलब मथुरा वृंदावन के रंगोत्सव से होता है, काशी के देव दीपावली से होता है। और भाइयों बहनों, महोत्सव का मतलब उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम से होता है। उत्तर प्रदेश आज अपनी एक नई पहचान के साथ देश के अंदर जाना जा रहा है। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने का साहस नहीं करता, आज उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू नहीं लगा सकता, उत्तर प्रदेश में आज
शानदार कावड़ यात्रा निकलती है और हर हर पम पम का नारा लगाते हुए कावड़ यात्री जब जाते हैं तो बाबा गोकर्णनाथ का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश को उनकी भक्ति के से एक नई शक्ति मिलती है और उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पहले यही पैसा समाजवादी पार्टी के चित्र वाले मित्र के घर चला जाता था और चित्र वाले मित्र इसी पैसे को आरसीसी की दीवारों में कैद करके प्रदेश की जनता को भूखों मरने के लिए छोड़ देते थे। ये लोग अराजकता फैलाते थे, गुंडागर्दी फैलाते थे। लेकिन आज मैं हमसे कह सकता हूं भाइयों बहनों, अगर हमने कोरोना कालखंड में एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए और साथ साथ कोरोना प्रबंधन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन, सबको वैक्सीन और हरेक व्यक्ति तक खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य किया, राशन पहुंचाने का काम किया है, वो हमारी जिम्मेदारी थी। क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? ये अंधेरे में रहने के लिए आपको मजबूर करने वाले लोग आज कहते हैं फ्री बिजली देंगे। अरे जब बिजली जब थे तब तो दिए नहीं, फ्री दोगे कहां से? इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्माण किया। कोरोना कालखंड में हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पदाधिकारी आपकी सेवा करते रहे। लेकिन ये सपा बसपा कांग्रेस के लिए पर नहीं थे क्या? कहीं का नाम पता था क्या? जब चुनाव आएंगे ये लोग निकल आएंगे और चुनाव के अंत कायम हो जाएंगे तो भाइयों बहनों चुनाव में भी इनको कायम कर दीजिए। तैयार है ना? मुझे एक बात बताइए, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर किसने बनाया है? क्या ये काम सपा बसपा कांग्रेस के लोग करेंगे? और भाइयों बहनों आपके लखीमपुर खीरी में तो अब आपकी जो सस्तों से मानसी की मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हो रही है आपकी लखीमपुर खीरी में।